Today we will start self-assessment paper four from Oswald sample papers for class 10th for ICSE. First sum, choose the correct option, MCQs. Do not copy the question. राइट द करेक्ट आंसर ए गिवन है आई गिवन है ए मैट्रिक्स टू तो ए आई ए आई का मतलब फर्स्ट पार्ट ए इज सॉरी फाइव टेन थ्री माइनस फोर एंड आई ए आई so क्या आएगा बेटा ए लिख देंगे हम आई लिख देंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी अंजला फाइव वन से फाइव टेन जीरो प्लस प्लस जीरो

मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम आंसर ओके ये चीज याद रख लेना कि हमें यह मल्टी फिर मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमारा यही ऑप्शन आ जाएगा hmm, कौन सा था सी ऑप्शन सेकेंड पीएक्स इज एक्स प्लस टू देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स पी एक्स एंड माइनस एक्स वी है एक्स प्लस टू आ जाएगा प्लस अर्नव पी माइनस एक्स के प्लेस पे क्या आएगा एक्स so, yes. मतलब के प्लेस पे क्या फिल कर देंगे माइनस एक्स तो माइनस एक्स प्लस टू ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे देखो ये पी एक्स की वैल्यू आ गई ये पी माइनस एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू तो फोर इज द आंसर दस्था वेन दोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़ देन जीएसटी ऑफ़ रुपी ट्वेंटी थाउजेंड एट एटीन परसेंट इज हांसेंट एटीन परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड यस yes. कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड आ जाएगा सिंपल है मतलब कैलकुलेट कर लेना अपॉन सिक्स हंड्रेड आ जाएगा फोर्थ हरिओम विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड थ्री एज इट्स रूट्स कौन सी इक्वेशन के थ्री और टू दोनों रूट्स हैं दो तरीके हैं एक तो सब में वैल्यूज फिल करके देख लो दूसरा मिडल टर्म स्प्लिट कर लो क्या करना है चारों की करके देखना पड़ेगा तो ज्यादा बेटर है हम टू और टू और थ्री फिल करके देख ले जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी उसके रूट्स होंगे टू या एक मेथड और है चलो मैं वो बता देता हूं आपको रूट्स टू एंड थ्री गिवन है ना ऑफ रूट दोनों का समाइव प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्टेटिक मतलब कर ना करो आप डिपेंड है इससे हमारे पास क्या टाइम सेव हो जाएगा बस अदरवाइज जो मेथड पहले बताएंगे हमने मैंने, वो भी कर सकते हैं यह चीज बच्चे याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ये ये हमारी फॉर्मूला पहले कभी नहीं किया तुमने इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है अगर लर्न कर सकते हो तो कर लो ठीक है इससे हमारा टाइम सेव हो गया बस तो यहां पे दूसरा मेथड क्या है बेटा टू इसमें फिल करके देखो फोर

इंसा ए एट किसके होता है किसकेटा ए प्लस सेवन डी फर्स्ट में ए की वैल्यू फिफ्टी सेवन है प्लस प्लस डी की वैल्यू माइनस थ्री फिफ्टी सेवन माइनस ट्वेंटी वन सेवन माइनस वन सिक्स थर्टी सिक्स आ गया अब इसमें बेटा ए की वैल्यू रूट थ्री प्लस सेवन इंटू टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री रूट थ्री आएगा सेवन रूट थ्री प्लस रूट थ्री टेन रूट थ्री इसमें थर्टी सिक्स नहीं आ रही थर्ड में भी चेक कर लो ए फिफ्टी एन प्लस सेवन इंटू माइनस फोर फिफ्टी थ्री माइनस फिफ्टी सेवन माइनस फोर आएगा ना टी की वैल्यू फिफ्टी सेवन माइनस ट्वेंटी एट इसमें भी नहीं आएगी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में आ रही है ओनली वन ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन ठीक है यस सर नाउ कपिरथ एक्स फाइव फोर फाइव एंड नाइन आर इन प्रोपोर्शन देन इज यहां पे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है चार टर्म्स होनी चाहिए ये फाइव टर्म्स दे रखी हैं चलो एक मिनट इसका सर दी कि के सही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होना चाहिए था शायद हाँ कंटिन्यूड होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी कंटिन्यूड भी नहीं है ना कंटिन्यूड देखो हमारे पास टर्म्स क्या दी हैं एक्स फाइव फोर फाइव नाइन दी हैं है ना ये दी है ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता x upon 5 5 upon 4 4 ये तो इक्वल है नहीं ना दोनों 5 by 4 4 by 5 के इक्वल है नहीं है ना बोलो बच्चे नो सर दिस इज़ ये हो सकता है या तो इन दोनों में से कोई एक रॉन्ग हो, हो. मतलब चार टर्म्स ही होंगी हम चार के अकॉर्डिंग फर्स्ट फोर के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं प्रपोर्शन में एक्स अपॉन फाइव इज इकल टू फोर अपॉन फाइव और फाइव एक्स इज इकल टू ट्वेंटी जैसे मर्जी

तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल कर दो नाइन एक्स इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर इंटू फाइव एक्स फाइव पॉइंट फोर इंटू फाइव अपॉन नाइन नाइन सिक्स इज दिन इज दिसगर एबीडीज ए ट्रेपीजियम इन विच डी सी इज पैरल टू ए बी ए बी सिक्सटीन है ये एट है ओडी फाइव है मतलब सारा कुछ मार्क किया हुआ है पेयर ऑफ सिमिलर एंगल हाँ जी ये कुछ भी ना भी दिया होता ना तो भी हमारा सिमिलर हो जानी थी सिर्फ पैरल से ये एंगल इसके इक्वल ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एओ बी सी ओडी के सिमिलर हो

मेटालिक स्फीयर्स मतलब अंदर से खोखला है वो होलो है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए हैं रेडियस टू एंड फोर हो जाएंगे एक को स्मॉल आर ले लो एक को कैपिटल आर देखो तो मैंने हमेशा बोलता हूं कि मैं कभी भी डायमीटर को फिगर में डिनोट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है उससे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं हम फिगर देखते हैं और फटाफट लिख देते हैं रेडियस के प्लेस पे डायमीटर की वैल्यू फिल कर देते हैं इसलिए मैं उनका हाफ करके ही फिगर में लिखता हूं मेल्टेड किस में मेल्ट कर दिया इसको कौन की शेप में कौन का डायमीटर दिया है एट तो रेडियस कितना हो जाएगा फोर इसको आर वन ले लो बेटा स्मॉल आर कैपिटल आर इसको आर वन तो यहाँ पे मीमांसा बताइए बच्चे क्या करना पड़ेगा हमें तो इसका क्या फाइन करना था हाइट फाइंड करनी है उन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा है ना हाइट ऑफ कॉन इज ट्वेल्व हाइट ऑफ कॉन इज फोर्टीन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड दोनों में से कौन सी वैलिड है हां जी सर ये पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस तो पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ सर पियर ये चीज मेटल है ना जहां पे मैंने लाइंस लगाई अंदर से खाली है मैटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम ना यस सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर वेरी गुड शाबाश फोर बाय थ्री नहीं होता फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस फोर बाय थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कौन पाई आर स्क्वायर वन बाय थ्री भूख लगी थी तेरे को खा गई हम्म hmm? oh, yes, भूख लगी थी जो खा गई उसको निचले थ्री से निचला थ्री कैंसल पाई से पाई कैंसल फोर कैप्ला आर फोर है फोर का क्यूब सिक्सटी फोर माइनस मॉल आर टू है टू का क्यूब एट आर वन फोर है फोर का स्क्वायर सिक्सटी फोर सॉरी सिक्सटीन इंटू एच फोर इंटू माइनस किया तो क्या आ जाएगा फिफ्टी सिक्स आ जाएगा सिक्सटीन नीचे चला जाएगा हाइट कितनी आ गई फोर्टीन आ गई तो सेकेंड ऑप्शन ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ओनली टू बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन नेक्स्ट वन इवेंटी राज ऑसेज टू शी गेट एटलीस्ट टू हेड्स

बताइए बच्चे जब तू टू कॉइंस को टॉस करते हैं तो पहले तो रिजल्ट बताओ क्या क्या आएंगे वेरी गुड हेड टेल जी टेल टेल हेड एंड टेल टेल ठीक है जी तो सबसे पहले एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स What is its इज The आंसर upon थ्री At फोर at least का मतलब कम से कम दो The होने कम से कम तो दो है, two head, saw, तो एक okay, ही में प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड सर थ्री upon फोर हाँ यहाँ पे थ्री आएगा कम से कम एक होना चाहिए मैक्सिमम भी उसे ये तीन होना जाएंगे इस टेल बोला है उन्होंने हेड नहीं बोला टेल बोला टेल के लिए तीनों आ जाएंगे थर्ड रवि टॉसिस टू क्वाइन एट मोस्ट वन टेल एट मोस्ट वन टेल मैक्सिमम एक टेल होनी चाहिए हां जी इसका आंसर क्या आएगा वन बाई फोर नहीं बेटा मैक्सिमम एक होनी चाहिए कम भी हो सकती है ना तो इसमें तो आंसर जीरो पॉइंट फाइव आ ही नहीं रहा किसी का तीनों का आंसर अलग आ रहा है ना जेज क्वाइंस एटलीस्ट कम से कम दो हेड आने चाहिए तो इसमें एक ए, वन बाय फोर आएगा ठीक है शी गेट से एटलीस्ट वन हेड वन बाय थ्री बाय फोर आएगा एट मोस्ट वन टेल इसमें भी थ्री बाय फोर आएगा सर एट मोस्ट वन टेल में टू बाय फोर नहीं आएगा नहीं बेटा एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम एक अच्छा ठीक है नहीं उसमें तीन आ गए ना केसेस एक दो तीन थ्री आएगा ठीक है थ्री बाय फोर ही आना चाहिए था आएगा टू आएगा क्योंकि एट मोस्ट बोला है ना तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हाँ फिर कम भी हो सकती है ना ये वाले तीनों केस आ जाएंगे बेटा हेड 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 टेल टेल हेड इसमें नहीं है वो भी तो कम है ना उससे यस yes, सर तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है आंसर की में क्या दिया है मोटू दैट डी ओनली वन सी गलत दिया है फिर ये रॉन्ग आंसर है ठीक है 9 तीनों में से किसी की भी नहीं आ रही जीरो पॉन्ट फाइव तो नेक्स्ट वन इफ द एंगल सप्रेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज एक्स अपॉन वाई देन व्हाट इज द एंगल सप्रेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तेरों एट मोस्ट के लिए एटलिस्ट करके आंसर की मैं अच्छा यहां पे � <coughs> उसका भी थ्री बाय फोर आएगा बेटा एटलीस्ट yes, भी होगा तो उसका भी तो थ्री बाय फोर ही आएगा हम चलो छोड़ दो उसको इफ द एंगल सेप्टेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज दिस देन व्हाट इज द एंगल सेप्टेंड एट एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कितना होगा अर्नव सर इसका हाफ हो जाएगा हाफ हो जाएगा एक्स अपॉन टू वाई सेंटर पे एंगल डबल होता है ना तो सर्कल पे फाइंड करना है तो वो हाफ होता है एंगल सप्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल थ्योरम की स्टेटमेंट इलेवेंथ पार्ट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस पी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू आस्था रेडियस पी दिया हुआ है तो दो पैरल टेंजेंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा बता सकते हो आज था फिगर बना लो देखो पैरल टेंजेंट यहां से और यहां से होगी ना तो ये क्या हो गया डायमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यस टू पी टू पी इज द आंसर नेक्स्ट हरिओम द लेंथ ऑफ BC फाइंड करना है इस फिगर में फिगर दी हुई है जो साइड फाइंड करनी है ऊपर जो साइड गिवन है वो नीचे व्हाट इज BC बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज AC ये अपोनाईटिन्यूज sin थीटा 30

18000 इन्वेस्ट किया 800 विच कंपनी हैज हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस कंपनी ने हाईएस्ट रिटर्न दिया रिटर्न का मतलब इनकम परसेंट किसके इक्वल होता है इनकम डिविडेंड 600 है पहले पार्ट का इनटू परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 15000 है 4% रिटर्न दिया सेकंड कंपनी डिविडेंड दिया हंड्रेड पर चेंज करना और इन्वेस्टमेंट कितनी थी थर्टीन थाउजेंड थी फाइव परसेंट रिटर्न दिया और जो तीसरी कंपनी है उसने डिविडेंट दिया एट हंड्रेड इंटू हंड्रेड इन्वेस्टमेंट उसकी एटीन थाउजेंड है थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन फोर जो थर्टी सिक्स फोर पॉइंट नियर अबाउट इतने परसेंट किसका रिटर्न सबसे ज्यादा है सेकंड का कंपनी वाई का कंपनी वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस फोर्टींथ द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हां जी हांजीसा यस सर क्वेश्चन देख लो इक्वेशन ऑफ लाइन this and लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो निकाल लेंगे और M1 M2. देखो इसमें ना एक फिगर बना लिया करो ये लाइन बना ली मैंने इसकी इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिख दो मतलब कभी मिस्टेक नहीं होगी उससे ओके सर इक्वेशन ऑफ लाइन एक ये इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है इसके पैरेलल है और पासिंग थ्रू जीरो पॉइंट दिया हुआ है जीरो वन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है यहां से स्लोप आ जाएगी कैसे निकालेंगे so, y mx plus, mx plus c. पहले उस साइड लेके जाएंगे ना वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस एट बाई टू इसको कंपेयर कर दो किसके साथ वाई इज इक्वल टू एमएक्स एक्स प्लस स्लोप की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री माइनस टू पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है इक्वल तो इसकी स्लोप equal... भी क्या आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू स्लोप एम एम टू एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन वाई वन इज वन स्लोप

Kapirat. For the given n variables, x1, x2, up to xn n दिया हुआ है. Assertion: Median median is defined as the middle most of the variable in a set of observation when the observation are arranged either in ascending or descending order. Yes, correct है. It divides the arranged series into equal parts. बिल्कुल सही है. Reason: The abscissa of the point intersection of the less than type

उंटेड बाई अ कॉन डायमी हो जाएगा थ्री इसका रेडियस भी थ्री और कॉन का रेडियस भी थ्री होगा मैंने मार्क कर दिया द हाइट ऑफ कॉन इज फोर ये फोर दी हुई है इसकी हाइट को स्मॉल एच ले लो ये टोटल हाइट ट्वेंटी फाइव है तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आ जाएगी मीमांसा निमांसा जिंदा है अंजला सर so 25 माइनस 4 दैट इज 21 इसको कैपिटल एच ये मत हो यहाँ पे भी स्मॉल एच ले लिया इसकी हाइट को भी स्मॉल एच ले लो फिर गलत हो जाएगा क्या फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सबसे पहले वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अंजला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन सर 1/3 पाई r स्क्वायर h भी आएगा साथ में अंजला h नहीं आएगा बेटा साथ में आएगा ही आएगा प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैपिटल h लिखना यहां से कॉमन लेके कैलकुलेशन करनी है तो बहुत इजी होगी वन बाय थ्री एच स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच कैलकुलेट कर लोगे सारी वैल्यूज पता है हमें कर्व सरफेस एरिया कौन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अंजला तो याद नहीं आ रहा मैम को मार्क्स भी नहीं याद आएंगे कि अंजला को मार्क्स देने हैं भूल जाएगी मैम नहीं सर वो याद करें पाई आर एल और सिलेंडर का टू पाई आर एच। एच कैपिटल लेना है एल की वैल्यू पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एल स्क्वायर किसके इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर के। यहां से एल की वैल्यू फाइव आ जाएगी इसमें बस वही सेम पाई आर कॉमन लेके करना है एल प्लस टू कैपिटल एच सारी वैल्यूज फिल कर वन सोनिया हैड ए रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज सिक्स हंड्रेड पर मंथ फॉर टू एंड हाफ इन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट पर then find interest इंटरेस्ट टोटल डिपॉजिट में छोटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला हिमांशा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट माइकी उसका माइकी नहीं वन हो रहा यस इंटरेस्ट yes, so का फॉर्मूला था पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन टू इंटू टू हंड्रेड सारी वैल्यूज हमें पता है

प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें सिकेंड थीटा प्लस कॉ थीटा के इक्वल प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड साइन प्लस कॉस टेन को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख देंगे साइन प्लस कॉस एज लाइक यहां पे एलसीएम आ गया थीटा इंटू साइन थीटा फर्स्ट टर्म क्या आएगी आस्था स्क्वायर थीटा और सेकेंड टर्म यस साइन थीटा प्लस कॉस्थीटा एज लाइक इसकी वैल्यू वन होती है नीचे कॉस्थिटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा ऊपर दो टर्म्स हैं साइन थीटा अपॉन कॉस्थिटा साइन थीटा प्लस कॉस्थेटा अपॉन कॉस्टा साइन थीटा अलग अलग सेपरेट कर सकते साइन से साइन कट गया यहाँ कॉ से कॉस वन अपॉन कॉस क्या होता है आज था वट इज वन अपॉन कॉस थीटा होता है वन अपॉन साइन यही हमारी राइट हैंड साइड है इसमें एक पार्ट इन्होंने और दे दिया बी पार्ट हरिओम यस सर हमें ये प्रूफ करना है क्या करें सर सबसे पहले स्क्वायर करेंगे हाँ लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा टू इंटू वन इंटू साइन थीटा टू साइन थीटा आ जाएगा इसको भी ओपन करो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा नीचे हमने कुछ नहीं करना <coughs> नीचे सेम रखो यस सर माइनस टू साइन थी वन प्लस वन टू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा नीचे टू कॉ स्क्वायर थीटा ऊपर से क्या कॉमन है सर टू क्या बच गया वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा नीचे टू कॉ स्क्वायर थीटा है ना यस सर टू से टू कट गया ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म में तो वन अपॉन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा वन अपॉन कॉस टेन यही Tenus. हमारा राइट हैंड साइड है सिंपल है नफ टिक्नोमेट्री में से एक चीज देखो बहुत इजी समझते आते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी और जो हमें प्रूफ करना है उसमें है एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन सी क्यूब को किसके इक्वल प्रूफ करना है थ्री एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी तो यहां पे इंसान हम क्या करेंगे वट वी कैन डू सर इक्वल टू के। यस इसको जो हमें दिग्गवन है उसको के के इक्वल। फर्स्ट को के के इक्वल करेंगे एक्स की वैल्यू ए e के आ जाएगी सेकंड को करेंगे तो वाई की वैल्यू बीके और इसको करेंगे तो जेड की वैल्यू बीके लेफ्ट और राइट दोनों में फिल करना है कर लोगे यसम yes, ना करवाऊ यसम सेकेंड Figure भी हुई है हमें द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ऑफ ओ इजेंडिकुलर सी एन ट्वेंटी फोर है तो ये ट्वेल्व ट्वेल्व हो जाएगा ना टोटल ट्वेंटी फोर है ए बी ट्वेल्व ट्वेल्व रीजन क्या आएगा रीजन क्या रीजन पैंटिकुलर फ्रॉम ये 12, 12 आ गया। है ये 12 है दिया दिया ये तो सी डी की रेडियस फाइंड कर। करना है पहले तो इसको जॉइन कर ले OA को ये फाइव है ये ट्वेल्व है तो ये फाइंड हो जाएगा yes, रेडियस तो ये भी थर्टीन होगा बेटा ये भी तो रेडियस है ओसी अब ओसी थर्टीन है ये ट्वेल्व है पाइथागोरस से सी फाइंड हो जाएगा ये फाइव आ जाएगा अब पूरा टेन हो जाएगा सी की लेंथ भी आ गई कर लोगे ये सम बोलो बच्चे अंजला अर्नब हरिओम आस्था इंसा हो जाएगा कैसे बेटा सर्टेन ये फाइव आ गया ना पर पेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक कर रहा है कोड को ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा ना ओके okay. तो पूरी सी डी टेन आ गई अब जो आ गई है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर देने है हमें ये ग्राफ दिया हुआ है नेम द ग्राफ प्लॉटेड ओजाइंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं ये रहे फोर्टी

And 62, 70. And 0 to 10 कोई है नहीं है जीरो माइनस करके लिखना है क्योंकि तो ये हो जाए है ना सी एफ आई है ये इलेवन में से थ्री माइनस करेंगे एट आ जाएगा फिर थर्टी पे फोर्टी पे ट्वेंटी है ट्वेंटी में से ट्वेंटी

नाइन आ जाएगा फिर थर्टी एट में से थर्टी फोर फोर आएगा फिर फोर्टी में से थर्टी एट टू आएगा ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा समझे ये क्लास मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी ये समझ आया कैसे आया जीरो थ्री एट फोर्टीन अंजला मीडियन yes, मीडियन हमें दिया ही हुआ है ये रहा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव अब चलो एक काम करो यहीं तक करो अभी आ, आज इवनिंग में इवनिंग में हम कितने बजे लगाए बताइए पांच बजे अच्छे पांच बजे चलो पांच बजे लगाएंगे तो पांच बजे लगाएंगे बच्चे आ गए नेक्स्ट इसका पार्ट ठीक है चलो ठीक है बच्चे ओके बाय थैंक यू